नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दो नए ब्रांडेड फोन्स के बारे में, गैलेक्सी S8 एंड गैलेक्सी S8 प्लस। हालांकि इन दोनों फोन्स का प्राइस कंपनी ने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है, जो इंटरनेट पर प्राइस रिवील हुआ है वो सैमसंग गैलेक्सी S8 का प्राइस है 75,000 रुपए और सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस का प्राइस है 90,000 रुपए। और ये दोनों फोन्स अप्रैल 19 को रिलीज होने वाले हैं इंडिया में। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसकी थिकनेस एंड वेट के बारे में। जो गैलेक्सी S8 है उसकी थिकनेस है 8 mm और जो इसका वेट है 155 ग्राम है। वहीं दूसरी साइड गैलेक्सी S8 प्लस की थिकनेस है 8.1 mm और जो इसका वेट है वो 173 ग्राम है। जो दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है वो कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास 5 की है एट बैक पैनल पे। और दोस्तों, ये दोनों ही मॉडल सिंगल सिम और ड्यूल सिम में आते हैं। ये डस्ट वाटर प्रूफ है 1.5 मीटर तक और आप 30 मिनट तक इसे पानी में रख सकते हैं। और जो दोस्तों इसकी डिस्प्ले है वो है सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है। जो गैलेक्सी S8 की डिस्प्ले है उसका साइज है 5.8 इंचेस और जो गैलेक्सी S8 प्लस है उसका स्क्रीन साइज है 6.2 इंचेस। और ये क्वाड HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जो इसकी प्रोटेक्शन है वो कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास 5 है। 3D टच होम बटन है ऑलवेज ऑन दी डिस्प्ले। तो इसका मीनिंग ये है जो स्क्रीन है वो प्रेशर सेंसिटिव है। अगर आप प्रेशर से स्क्रीन को दबाएंगे तो वो होम बटन का काम करना स्टार्ट कर देगी। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है Android 7.0 नूगट और जो इसका प्रोसेसर है वो USA मॉडल के लिए है स्नैपड्रैगन का 835 और बाकी अदर्स मॉडल में है अदर कंट्रीज में है वह एक्सनेस का 8895 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.35 GHz और जो एक्सपीरियंस का प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz। और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ मिलेगा आपको एंड्रीनो का 540 GPU और जो एक्सपीरियंस का प्रोसेसर है उसके साथ मिलेगा आपको माली का G71 MP20 GPU। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम मेमोरी एंड कैमरा के बारे में। तो जो इसकी इंटरनल मेमोरी है वो है 64 GB और जो 4 GB की रैम है और ये कार्ड सपोर्ट करता है 256 GB का। जो ड्यूल सिम मॉडल है उसकी सेकंड सिम की जगह आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड स्लोट है। और जो इसका कैमरा है वो सिमिलर कैमरा है गैलेक्सी S7 वाला 12 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f1.7 और ये लो लाइट कंडीशन में काफी सक्सेसफुल है। ये इसमें मिलेगा आपको फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, LED फ्लैश के साथ और ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा 4K वीडियो रिकॉर्ड करेगा 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे और जो फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएगा वो है 60 फ्रेम पर सेकंड पे। जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f1.7 ऑटो फोकस और जे क्वाड HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, ड्यूल वीडियो कॉलिंग कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके नए फीचर्स के बारे में। इसमें आपको सेंसर मिलते हैं, आइरिस स्कैनर सेंसर मिलता है जिसके आप अपने फोन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं अपनी आंखों से। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा वो आपको बैक पे मिलेगा। एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, जायरोस्कोप सेंसर है, कंपास है, वेरोमीटर है, हार्ट रेट सेंसर्स है। और जो इसमें नया एक्सपीरियंस है वो है सैमसंग डेक्स। तो आप अपने फोन पे ही डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसके साथ मिलेगा आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग और आपको वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। और इस फोन में एस वॉइस नेचुरल लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है। और जो इस फोन की बैटरी है वो गैलेक्सी S8 की है 3000 mAh की और जो गैलेक्सी S8 प्लस है उसकी बैटरी है 35000 mAh। तो फाइनली दोस्तों, इस फोन के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो ये एक स्टनिंग फोन है, तो इसका जो प्राइस है वो भी स्टनिंग है। इस फोन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ना ही इसके प्राइस में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो ये एक हाई एंड डिवाइस है। जो आने वाले इसके कंपटीटर हैं उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।